हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और आज जिस जर्नी का शुरुआत होने जा रहा है, ये आपने तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका रिक्वेस्ट किया था। ये है 1234 दार्जिलिंग मेल, और मैं ये डाउन दार्जिलिंग मेल का वीडियो बना रहा हूं, जो कि जलपाईगुड़ी स्टेशन से सियालदह तक जाती है। और यहाँ पे देखो, ये जो स्टेशन हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कौन सा स्टेशन है। मैं F6 को ऑन करता हूँ, करने के बाद हमको दिख जाएगा। तो ये जो स्टेशन था, ये है चंदनपुर या फिर वैसा ही कुछ स्टेशन है। ये देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, तो ये चंदनपुर स्टेशन था, जहाँ पे हम लोग एक ट्रेन को ओवरटेक कर रहे थे। और हमारे उस साइड से देखो, एक फ्राइट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रही है, जिसका कि शायद होपफुली एक वैगनाइन लोको लगा हुआ था। और यहाँ हमारे राइट साइड में एक ट्रेन हमारे साथ थोड़ी देर के लिए पैरेलल रन कर रही थी, जिसका कि मैं आपको रुकिए दिखाता हूँ। ये है 13072 जमलपुर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और जिसका कि लिंक लगा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ट्रेन का कौन सा लोको लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर का है, तो हम लोग उसी हिसाब से चलाएंगे। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे। और ये देखो, मैं इसका लिंक आपको दिखा देता हूँ। ये है WDP4 है ना शायद, हाँ नहीं, WDP4B है, BGKT WDP4B इसका लोको था। और ये देखो, हमारा गार्ड साहब का झंडा दिख रहा है यहाँ से। तो आज हो जाइए तैयार एक और वर्चुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो कि दार्जिलिंग मेल का होगा। अब ये WDP हमारा जो लोको है, ये है आपका WDP4B 20047 इसका रोड नंबर है, और ये है सिलीगुड़ी शेड का। तो यार, आप में से शायद किसी ने कहा था कि भाई WDP4B ही यूज़ करना, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब आप बताओ कि ये कैसा लग रहा है आपको, ये जो साउंड्स वगैरह, मैं साउंड्स आपको सुनाता हूँ। ये देखो, ये मैं अभी थ्रोटल को कमा दिया हूँ, फिर से थ्रोटल को हल्का सा बढ़ाऊँगा, 80 तक लेके जाएंगे हम लोग यहाँ। और ये देखो, हमारे राइट साइड से एक ट्रेन हॉर्न मारते हुए क्रॉस की, कितना मस्त लग रहा था यार। साउंड सुना आपने यार, पूरा मस्त साउंड आ रहा था यार। मतलब ये देखो, यहाँ से सुनो आप, एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त लग रहा है यार। वर्चुअल वर्ल्ड में यार खेलने का मज़ा ही कुछ और है यार। रियल वर्ल्ड में तो आप में से काफ़ी लोगों ने इसका जर्नी किया होगा, लेकिन यार एक बार वर्चुअल वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस लेके देख लो कैसा लगता है आपको। तो आगे सामने कोई एक स्टेशन आ रहा है, ये पता नहीं ये लेवल्स को क्या हो गया, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मतलब स्टेशन का जो नेम्स है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये रहा, ये है कामारकुंडू स्टेशन। तो कामारकुंडू स्टेशन को हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं। तो मैंने हॉर्न भी बजा दिया। अब इसके बाद वाला जो स्पीड लिमिट आएगा 25 का, वहां से हम लोग जाके इसको फॉलो करेंगे। और राइट साइड में देखते हैं कि और कौन कौन से ट्रेन का क्रॉसिंग होता है हमारे साइड से। और हाँ गाइस, आप में से जो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस ट्रेन का, आप लोग बोले थे कि भाई अप वाला बनाऊं, दार्जिलिंग मेल अप का वीडियो बनाऊं। लेकिन यार, मैं डाउन का क्यों बना रहा हूँ, पूछो क्यों। देखो यार, बात कुछ ऐसी है, अप दार्जिलिंग मेल जो है वो, जब मतलब उसका जो टाइम है वो नाइट टाइम हो जाता। अगर मैं अप दार्जिलिंग मेल का वीडियो बनाता, तो इस गेम में वो नाइट वक्त पे हो जाता, इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। और रात के वक्त तो आपको पता ही है ओपन रेल्स क्या करता है भाई, रात के काले अंधेरे में ओपन रेल्स अपना काला जादू दिखा देता है। मतलब हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा सब कुछ ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क कर देगा, कुछ भी हमको नहीं दिखेगा। तो मुझे लगा कि भाई आपको वो दिखाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी सुबह के वर्सन में, मतलब डाउन वाला वर्जन कर रहा हूँ। ये देखो, साइड से वेब 7 के साथ कोई एक ट्रेन दोबारा से हॉन्क मारते हुए क्रॉस करी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ज़रा देखो कैसा लग रहा है।
कैसा लगा गाइस ये क्रॉसिंग, कैसा लगा मेरे को ये कमेंट्स में जरूर बताना। अननोन ट्रेन था, ट्रेन का नेम तो पता नहीं है हमको। चलो आगे की ओर चलते हैं। और एक स्टेशन आ रहा है यहाँ पे, देखो आगे स्पीड लिमिट हमारा 25 का दिया हुआ है जो कि हमको फॉलो करना है। एक बार हॉर्न भी बजा देते हैं। जनाई रोड स्टेशन है, जनाई रोड स्टेशन, इसको कि हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं और धीरे धीरे हमारा जो स्पीड है हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे। चलो धीरे धीरे ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्वेंटी फाइव तक हम लोग जाएंगे नहीं गाइस, हम लोग 30 का स्पीड मेंटेन करेंगे। चलो इतना स्पीड हमारे लिए ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शायद सामने कोई कर्व, हाँ बिल्कुल सही, सामने छोटा सा एक कर्व है जिसको कि हाई स्पीड में क्रॉस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट थोड़ा कम दिया हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग इस कर्व को क्रॉस करते हैं। और गाइस आप ये बताओ कि आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे वीडियो से, मतलब कोई ज़रूरी जानकारी या फिर कुछ 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 भी सीखने को मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। तो यार क्यों देख रहे हो मेरा वीडियो? आप ज़रूर ऐसा सोचते होगे कि मैं तो यार ऐसा ही बकवास करता रहता हूँ। तो यार इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज से क्यों ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाए वीडियो में। ये देखो एक लेवल क्रॉसिंग को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा था, अरे भाई रुक जाओ भाई, ये लोग ये लेवल क्रॉसिंग का भी काला जादू आप देख लो। ये देखो कैसे मेरे ट्रेन के अंदर से घुस के चले जाएंगे। मारुति इको था शायद, मेरे ट्रेन के अंदर से घुस के चली गई। तो यही मैं कह रहा था यार, ओपन रेल्स का ये ऐसा टाइप का जादू देखने को मिल जाता है आपको, काला जादू। हाँ तो यार गाइज मैं जो कह रहा था कि मेरे वीडियो से आपको सीखने को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यही सोच रहा था कि आज से मैं आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि यार कुछ कुछ तो जानकारी मिले आपको मेरे वीडियो से, मतलब ऐसे ही ना हो यार, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यार जानकारी किस बारे में देंगे भाई, जाहिर सी बात है ट्रेन का वीडियो है तो जानकारी भी ट्रेन के बारे में ही देंगे। अब वो जानकारी कैसा है ये देखो आप, शायद थोड़ा थोड़ा आपको पता है कि कैसा टाइप का जानकारी होने वाला है। तो ये जो ट्रेन दार्जिलिंग मेल है, इस ट्रेन का ये जो ट्रेन है ये जलपाईगुड़ी स्टेशन से शाम के 5:45 पे निकलती है। जलपाईगुड़ी स्टेशन से 5:45 पे निकलती है और पूरे 10 हॉल्ट्स को कवर करते हुए ये 608 किलोमीटर कवर करते हुए आपको सियालदा पहुंचा देगी। उसके अगले सुबह 6 बजे तक। तो ये था इसका पहला जानकारी। अब दूसरा जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा आगे हमारे जर्नी में, तब तक जो है आप लोग थोड़ा ट्रैक साउंड्स भी इंजॉय कर लो। ट्रैक साउंड्स तो आ रहा होगा ना आपको, जरा मैं थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाता हूँ ठीक है, तब तक आप लोग ट्रैक साउंड्स को इंजॉय कर लो। और हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, 100 तक चलते हैं। तो गाइस ट्रैक साउंड्स तो मैंने आपको सुना दिया, चलो अब वापस से आगे में चलते हैं। ये देखो तो सामने जो स्टेशन आ रहा है ये है गोबरा स्टेशन, एक छोटा सा लेवल क्रॉसिंग है। हम लोग अपने स्पीड लिमिट के अंदर में आ चुके हैं। यहाँ पे 75 का लिमिट फिर से इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्स पे हल्का सा कर्व लगा हुआ है। अपने लोगों को मैं थोड़ा सामने से भी दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा लोगो सिलीगुड़ी का WDP-4B। ये देखो कर्व पे, ये जो हल्का सा कर्व है यहीं से हम लोग
अभी जा रहे हैं, 75 का स्पीड लिमिट था हमारे यहाँ पे। और एक चीज़ जो मुझे अभी यहाँ पे देख के लग रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट सिग्नल होने वाला है वो रेड होगा। देखो यार भाई, जाहिर सी बात है भाई, रेड तो होना ही है भाई, क्योंकि हमारा मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, हमारा कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मतलब एकदम टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, 10 मिनट्स 15 मिनट पहले हम लोग स्टेशन फाइनल डेस्टिनेशन पे घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमारा मेल एक्सप्रेस है तो लेट तो होना ही है, भले ही 5 मिनट या 10 मिनट कुछ तो लेट ज़रूर होगा। साइड से देखो एक मालगाड़ी का क्रॉसिंग चल रहा है, वैग 9 के साथ एक मालगाड़ी है और हम लोग अभी बहुत ही जल्द हमारे ट्रेन को रोकने वाले हैं। चलो आगे की ओर में चलते हैं। देखो दूर में दिख रहा होगा आपको रेड सिग्नल, वहाँ दूर में नज़र डालो और थोड़ा सा सामने जाके हम लोग हमारे ट्रेन को रुकवा देंगे। ये देखो यहाँ से पूरा ट्रेन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग खुद ही गार्ड बन गए। चलो अब सामने की ओर में चलते हैं, अब धीरे धीरे रोक देंगे हमारे ट्रेन को। ऑलमोस्ट बहुत पास आ चुके हैं हम लोग रेड सिग्नल के, अभी हम लोग रोक देंगे हमारे ट्रेन को। तो फाइनली हमने हमारे ट्रेन को रोक दिया है रेड सिग्नल के पहले और देखते हैं कि कब तक कितना वेट करना पड़ता है हमको यहाँ पे, कब हमको येलो सिग्नल मिलता है। ग्रीन तो मिलेगा नहीं, एकदम रेड से पहले येलो मिलता है, उसके बाद जाके ग्रीन मिलेगा, तो देखते हैं कब मिलेगा वो। और ये हमारे गार्ड साहब जी बिल्कुल हर एक जब भी दिखते हैं ऐसे ही हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के इनको। तो देखते हैं अभी वेट कितना करना पड़ता है वो देखते हैं। और गैस मैं अजब गजब ट्रेन्स के बारे में भी बात कर रहा था, आपको शायद पता होगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो अजब गजब ट्रेन्स मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यार कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर से ज़रूर बता देना। और यहाँ पे देखो येलो सिग्नल मिल चुका है, तो चलो फिर हॉर्न बजा के डिपार्ट करते हैं यहाँ से। ब्रेक्स रिलीज कर देते हैं हम लोग, चलो अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ से डिपार्ट करेंगे। यार आप लोग हेडफोन्स यूज़ करके सुनना ठीक है गाइस, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो हेडफोन ज़रा यूज़ करना, तभी आपको ये ट्रेन का जो असली साउंड है उस साउंड का मज़ा आ जाएगा सुन के, एकदम रियल वाला फील जो है वो तभी आएगा जब आप लोग हेडफोन से सुनोगे। तो अभी हम लोग चलते हैं और हमारा स्पीड लिमिट अभी 80 का ही है, लेकिन यहाँ पे 0 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसीलिए ऐसा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 80 का स्पीड लिमिट है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा गार्ड साहब के पास। तो गाइस हमारा जो स्टेशन है सियालदह स्टेशन, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको और 19.8 किलोमीटर बाकी है, और वहाँ पे पहुँचने का जो टाइम दिया था हमको वो है सुबह के 6:10। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कब तक पहुँचते हैं। और यार वेदर तो काफ़ी अच्छा है, आपको दिख रहा है कितना सुहाना मौसम है, और रियल वर्ल्ड में तो अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है, लेकिन यार वेस्ट बंगाल में जो कि हावड़ा का साइड है वहाँ पे यार एकदम बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है यार, मतलब हालत ख़राब हो रखी है एकदम, गर्मी में पूरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ऐसा टाइप का वेदर है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही यार, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये देखो हमारे राइट साइड में एक फिर से एक अननोन ट्रेन, शायद वैप 1 के साथ था एक कोई ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस कर रही है हमको, और हम लोग जिस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं ये है डानकुनी जंक्शन।
तो हम लोग स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, 75 के आसपास में रखते हैं हम लोग। पीछे से देखोगे तो ऐसा लग रहा है। अब थोड़ा सा और डिक्रीज कर देंगे हमारे स्पीड को। तो यार यही तो है हमारा मेल एक्सप्रेस, एक बार बहुत स्पीड हो जाएगी और फिर तुरंत कुछ ही देर बाद फिर से अपना एकदम बिल्कुल स्लो स्पीड में आ जाएगी। भाई मेल एक्सप्रेस तो यही है भाई। तो सामने ट्रैक मॉनिटर पे देख के पता चल रहा है कि हमारा तो ट्रैक चेंज होने वाला है, तो स्पीड को 30 के आसपास में लेके आना पड़ेगा गाइस। चलो सामने की ओर में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, कैसा लग रहा है गाइस ट्रैक चेंज, ज़रा मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। ये देखो मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस हमारा ट्रेन ऐसा लग रहा है ट्रैक्स चेंज करते हुए। तो जैसे ही हमारा ट्रैक्स चेंज हो जाएगा कंप्लीट, हम लोग जो है इसके बाद फिर से धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेशन हमारा ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं क्योंकि हमारा मेल एक्सप्रेस है, फिर से बहुत जल्द जाके हमको स्पीड को डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो चलो अभी दोबारा से सामने की ओर में चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे ट्रैक चेंज क्यों हुआ, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रैक सबको दिख रहा है ना, ये हावड़ा के साइड में जाती है और राइट साइड में हम लोग सियालदा के साइड में जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो लास्ट डेस्टिनेशन सियालदा है, तो हावड़ा के साइड में हम लोग क्यों जाए, तो सियालदा में हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो साइड से एक और ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, होने ही वाला है, एक फ्राइट ट्रेन लगता है, हाँ वैग 7 के साथ, शायद भुसावल का वैग 7 था ना, शायद वैग 7 के साथ टैंकर फ्राइट है, ग्रीन वाला टैंकर का फ्राइट है जिसका कि क्रॉसिंग चल रहा है। तो गाइस हमारा ट्रैक चेंज हो चुका है पूरा कंप्लीट, अभी हम लोग जो है धीरे धीरे करेंगे एक्सेलरेशन और फिर देखते हैं कब तक टिकता है हमारा एक्सेलरेशन। अरे यार ये व्हील स्लिप परेशान करके रख देता है यार हमेशा। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट तो 129 मतलब 130 के आसपास का दिया है, लेकिन हम लोग का तो स्पीड लिमिट मैक्सिमम 110 किलोमीटर है। तो ये जो ट्रेन है इसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का है और मैक्सिमम जो परमिशेबल इसका स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर का है। तो यार 110 में तो अभी हम लोग एक बार भी नहीं उठे हैं, यही है यार मेल एक्सप्रेस का ऐसे ही तो लेट होता है ट्रेन, इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। प्रायोरिटी दी जाती है सुपर फास्ट ट्रेन्स और प्रीमियम ट्रेन्स को। तो यहाँ पे सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ सेव क्रैशिंग प्रोन एरिया। अच्छा मतलब बोल रहा है यहाँ पे स्पीड लिमिट स्ट्रिक्टली मेंटेन करो और बहुत सावधानी से ड्राइव करो, यहाँ पे शायद कभी क्रैश हुआ था, यहाँ पे कुछ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था कुछ किसी ट्रेन का यहाँ पे शायद, इसीलिए अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सामने से एक ट्रेन आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है धुआं उड़ते हुए, तो कोई डीजल लोगों के साथ कोई ट्रेन होगी। ये भी अननोन ही है। ये देखो सो WDM 3D के साथ हॉर्न मारते हुए कोई एक ट्रेन जा रही है, शायद ये कोई पैसेंजर ट्रेन है क्योंकि देखो मुझे हर एक कोच में दिख रहा है कि पूरा जनरल मतलब सेकेंड सीटिंग वाला डब्बा है, हो सकता है कोई पैसेंजर ट्रेन होगा।
और सामने देखो 60 का स्पीड लिमिट आ चुका है, 60 के बाद अभी 50 का भी स्पीड लिमिट आ रहा है। तो अभी हम लोग जिस स्टेशन को स्किप करने वाले हैं ये है बाली हॉल्ट, बाली हॉल्ट स्टेशन। स्पेशली जो लोग हमारे वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं या फिर कोलकाता या हावड़ा के साइड से देख रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा भाई ये सब बाली हॉल्ट वगैरह। और अभी हम लोग एक ब्रिज को भी क्रॉस करने वाले हैं, तो देखो यार कैसा लगता है वो ब्रिज रियल वर्ल्ड से कंपेयर करना, करके मुझे बताना जो लोग जानते हो इस साइड के। वैसे तो मैं तो इस साइड का ही हूँ इसीलिए मुझे मालूम है। और ये देखो ये बाली घाट स्टेशन भी आ रही है सामने, ये देखो ट्रक्स वगैरह के साथ में पैरेलल रन चल रहा है यहाँ पे। देखो ट्रक ऑटो सब कुछ के साथ हमारा पैरेलल रन चल रहा है। और ये मारुति को देखो हमसे भी आगे जा रही है भाई, ये देखो इनको हम लोग नीचे छोड़ रहे हैं और हम लोग ऊपर ब्रिज से निकल रहे हैं। ये देखो ये लोग साइड से जाके सीधा, ये हमारे साइड से देखो एक क्रॉसिंग चल रही है एक अननोन ट्रेन का, वैप 7 इसका लिंक था। और हम लोग बालीघाट स्टेशन को अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और सामने ब्रिज आ रहा है। और इसी जगह पे अगर आपको पता होगा इसी जगह पे दक्षिणेश्वर मंदिर भी है, अगर आप रियल वर्ल्ड में कभी आते हो तो ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा प्लेस है यार, बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आके आपको बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। और राइट साइड से देखो ये जो रोड जाती है ये शायद एयरपोर्ट में ही जाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा स्पीड यहाँ पे 50 का है, हम लोग धीरे धीरे उसी पे रहने की कोशिश करते हैं। यार ये नज़ारा कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और यहीं पे इसी के साथ अभी बस ये ब्रिज ख़त्म ही होने वाला है और हमारा सियाला स्टेशन आने में अभी 11.8 किलोमीटर्स बचे हैं। ये देखो ये है दक्षिणेश्वर स्टेशन जो कि मैं कह रहा था, यही मंदिर है यहाँ पे। कभी आप आते हो तो ज़रूर विज़िट करके जाना यार, बहुत ही अच्छा प्लेस है यार। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, ये फ्राइट ट्रेन है जहाँ तक मुझे लगता है। ट्विन वैक 7 के साथ एक बीसी ने रेक का फ्राइट है। तो चलो गाइस अभी हम लोग धीरे धीरे जो है हमारे स्पीड को बढ़ाते हैं और हम लोग पहुंचते हैं 100 के स्पीड तक। सामने बरानगर रोड स्टेशन आ रहा है, तो आप में से कोई अगर बरानगर से है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। देखो अभी तो पूरा ग्रीन सिग्नल दे के रखा है, पता नहीं फिर से कब रेड सिग्नल मिलता है हमको। चलो अब वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। चलो अब जल्दी से 100 के स्पीड पे पहुंचते हैं क्योंकि इसके बाद फिर से देखो 80 का लिमिट आने वाला है। मतलब मैं कह रहा था ना यार स्पीड टिकेगी नहीं, इसकी स्पीड घटाना ही पड़ेगा यार। ये देखो चलो अब 80 पे आते हैं। चलो 80 के नीचे हम लोग आ चुके हैं और ये देखो सामने से कोई एक ट्रेन आ रही है, नीचे से कोई ट्रैक्स का क्रॉसिंग भी था देखा आपने होगा। तो ये है 73151 सियालदा जंगीपुर डेमू, जंगीपुर था क्या, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ सियालदा टू जंगीपुर DMU, ये देखो अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको।
तो यार मेरे वीडियो में तो मैं बिल्कुल एकदम पहली बार आपको कोई डीएमयू ट्रेन दिखाया हूँ। चलो अब सामने की ओर में चलते हैं। मैं आपको इस वाले कैमरा व्यू से दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे एक और इंफॉर्मेशन की, और वो है इस ट्रेन के कॉस्टिंग के बारे में। तो अगर आप इस ट्रेन में स्लीपर में जर्नी करेंगे तो आपको 365 रुपीस पे करना पड़ेगा, और अगर आप एसी थ्री टायर में जर्नी करते हैं तो आपको 960 रुपीस पे करना पड़ेगा, और अगर आप एसी टू टायर में जर्नी करते हैं तो आपको 1360 रुपीस देना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास में अगर आपको अच्छा लगता है जाने में, तो अगर आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो आपको 2285 रुपीस देना पड़ेगा। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पेयर के बारे में। तो अभी हम लोग चलते हैं सामने, और सामने का स्पीड लिमिट 20 का आ रहा है, लगता है फिर से रेड सिग्नल आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ये दमदम जंक्शन आ रहा है, दमदम जंक्शन, तो दमदम यहीं पे एयरपोर्ट है। यहीं पे कोलकाता का एयरपोर्ट है, और साइड से देखो एक एल्को लोकोमोटिव के साथ में एक ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है, कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन है। चलो हम लोग स्पीड को हमारा डिक्रीज कर देते हैं। और सामने का सिग्नल मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, रेड सिग्नल ही है। जैसा कि मैंने कहा था कि रेड सिग्नल ही होगा, भाई होना ही है यार। भाई हमारा मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको प्रायोरिटी कम तो मिलना ही है भाई, इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। इतना एक्सपेक्ट मत करना का इसके हम लोग 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। देखो अभी टाइम जो हो रहा है वो सुबह के 6:12 हो चुका है, और हमको सियालदह स्टेशन में पहुंचना था सुबह के 6:10 पे, जो कि ऑलरेडी पार हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ पे दमदम पे भटक रहे हैं। चलो ब्रेक्स लगा देते हैं। देखते हैं कब जाके हमको सिग्नल मिलता है। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, शायद सामने लिखा हुआ है टू कोलकाता टर्मिनल, मतलब ये जो सामने वाला ट्रैक है जो कि लेफ्ट साइड में जा रही है वो कोलकाता के साइड में जाती है, कोलकाता जो स्टेशन है वहाँ पे जाती है, और हम लोग को जाना है सियालदह, मतलब हमको राइट साइड के ट्रैक्स में भेजा जाएगा, जहाँ से ये फ्राइट ट्रेन आ रही है उस साइड के ट्रैक्स में हमको भेजा जाएगा। चलो देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि सिग्नल कब मिलता है हमको। और जो फ्राइट है वैग 9 के साथ आ रही है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, रुकिए थोड़ा पास में आने दीजिए फिर आपको दिख जाएगा। ये देखो हमको सिग्नल तो येलो मिल चुका है, और आपको देख के पता चल रहा है कि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। देखो सिग्नल के ऊपर में वाइट कलर के लाइट्स भी जल रही है, मतलब हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। चलो फिर डिपार्ट करते हैं। ये देखो ये फुल्ली लोडेड कोल फ्राइट है, 31126 इसका रोड नंबर है, ये वैग 9 का फुल्ली लोडेड कोल फ्राइट है। काफ़ी लंबी फ्राइट है यार राइट साइड में। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज कैसे होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है नज़ारा।
ये देखो हम लोग राइट साइड के ट्रैक्स में जा रहे हैं। लेफ्ट साइड का ट्रैक्स कोलकाता टर्मिनल पे जाती है, चितपुट टर्मिनल भी बोला जाता है ना इसको। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो अभी सियालदह स्टेशन आने में बस 5 किलोमीटर रह गए हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 6:16। कब तक देखते हैं हम लोग घुसते हैं सियालदह स्टेशन में और हम लोग कितना लेट पहुंचते हैं। जहां तक देखो मुझे लग रहा है हम लोग 10 मिनट के आसपास लेट पहुंचेंगे शायद, फिर भी ठीक है यार, 5-10 मिनट लेट तो यार चलता ही यार, क्या कहते हो। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग इस जर्नी के एंड पे पहुंच जाएंगे और आगे जाके हमारा फिर से ट्रैक चेंज भी होने वाला है, इसीलिए रेड सिग्नल भी दे के रखा है हमको वहां पे जाके। चलो पता चलेगा आगे जाके। फिर से कोई एक ट्रेन आ रही है हमारे साइड से, देखो एक अननोन लिखा हुआ है। आज सारे ट्रेन अननोन है यार, नहीं एक ट्रेन नोन था जो कि DMU वाला था, उस ट्रेन का नेम पूरा अच्छे से दिख रहा था। तो अभी जो ट्रेन आ रही है ये WAP4 के साथ आ रही है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये WAP4 है। देखो WAP4 के साथ कोई एक प्रीमियम ट्रेन लगता है यार ये, हाँ ये कोई प्रीमियम ट्रेन ही है। और नीचे देखो, नीचे जो ट्रैक्स दिख रहे थे आपको वही कोलकाता स्टेशन में जाती है। देखो ये ट्रेन अभी अभी सियालदह से डिपार्ट की है, पता नहीं कौन सा ट्रेन होगा ये। तो सामने से विधाननगर रोड जो स्टेशन है वो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो विधाननगर रोड को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। अच्छा एक और ट्रेन आ रही है, एक और ट्रेन आ रही है सामने से, ये WAP7 के साथ है इस बार, WAP7 के साथ। अच्छा ये रुकी हुई है, इसको सिग्नल नहीं मिला आगे जाने के लिए। WAP7 के साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन ही है और एक जनशताब्दी का एसी कोच भी लगा हुआ था इसमें। तो मैं जरा आपको अपने एसी कोचेस में लेके चलता हूँ। ये देखो हम लोग आ गए एसी कोचेस में, पूरा बहुत ही अच्छा यहाँ पे ठंडा पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ब्रेक्स लगा देंगे क्योंकि हमारा रेड सिग्नल बहुत पास आ रहा है। साइड से देखो एक ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है WDP4B, ट्विन WDP4B के साथ, एक फ्राइट ट्रेन थी गाइस। तो हम लोग जल्दी से जाके यहाँ पे अब रोक देते हैं हमारे ट्रेन को। चलो रोक देते हैं। तो हमारा ट्रेन यहाँ पे रुक चुका है क्योंकि यहाँ पे रेड सिग्नल पड़ा हुआ है। सामने जाके देखते हैं कब हमको मिलता है आगे जाने का सिग्नल। ये फ्राइट ट्रेन भी आके यहाँ पे रुक गई है। अरे यार ये फ्राइट ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है। अब भाई हमको भी सिग्नल दे दो, हमको भी जाने दो आगे। अब मुझे लगा था हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन नहीं, उससे भी ज़्यादा लेट शायद हमको हो जाएगा पहुंचने में। और सामने से मुझे जो दिख रहा है कोई एक और ट्रेन आ रही है, नहीं अभी रुक गई है,
आपको दिख रहा होगा, वहाँ दूर में देखिए, दूर में ज़रा देखिए एक ट्रेन आ रही है, फ्राइट ट्रेन ही है शायद। फ्राइट ट्रेन, हाँ भाई फ्राइट ट्रेन ही है। तो देखते हैं हमको कब मिलता है आगे जाने का सिग्नल, परमिशन मांग के देख लेते हैं, परमिशन भी नहीं मिल रहा है। अब वेट करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं हमारे पास। आगे ट्रैक्स का कंडीशन ज़रा देख के आते कि क्या है ट्रैक्स का कंडीशन। नहीं, ट्रैक्स का कंडीशन तो बोल रहा है कि हमारा परमिशन हमको नहीं दिया जाएगा। वेल गाइस, परमिशन तो इसको भी नहीं मिल रहा है जाने के लिए, और इधर हमको भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं इसको परमिशन मिला हुआ है। तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है जैसे ये फ्राइट ट्रेन क्रॉस कर जाएगी पूरा, उसके बाद जाके हमको सिग्नल मिलेगा। चलो अब वो तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ शायद मैं गाइस, ये फ्राइट ट्रेन जैसे पूरा क्रॉस कर लेगी उसके बाद जाके हमको सिग्नल मिलेगा। यार एक तो हम लोग थोड़ा सा लेट है, अभी ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोक दिया ना, अब यहाँ पे ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये देखो वैक 7 के साथ एक, ये भी फुली लोडेड कोल फ्राइट है। तो इसको जाने दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये फिर से रुक गई यार, और फिर से एक्सेलरेट कर रही है धीरे धीरे, फिर रुक जाएगी कुछ देर बाद। मैं ना गाइस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलो ये देखो हमको सिग्नल मिल चुका है, जैसे ही लाइन क्लियर हो गया हमको यहाँ पे भी सिग्नल मिल गया। चलो अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ये देखो फ्राइट फिर से रुक चुकी है यार, मैं कह रहा था ना यार ये थोड़ा सा जाएगी थोड़ा सा रुकेगी। ये देखो फिर से चल पड़ी है फ्राइट। ये देखो हमारा यहां से ट्रैक्स चेंज हो रहा है। और आगे जाके फिर से दो बार ट्रैक चेंज भी होना है। चलो देखते हैं आगे जाके ही तो पता चलेगा वो। बस 1.7 किलोमीटर्स बचा हुआ है सियालदा स्टेशन आने में। यहाँ का स्पीड लिमिट भी 50 दिखा रहा है, चलो 50 तक चलते हैं फिर। ये देखो लेफ्ट साइड में कोच केयर वाला है, कोच केयर है जहाँ पे कोचेस का केयर लिया जाता है। और यहाँ देखो साइड में हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है इसके बाद वाले जंक्शन पे। और हम लोग को शायद प्लेटफॉर्म नंबर 9C पे दिया जाएगा, चलो देखते हैं।
ये देखो एक छोटा सा ब्रिज को हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे राइट साइड में हमारा एक वैप सेवन दो दो वैप सेवन खड़े हैं, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वहाँ पे देखो दो WDM 3D खड़े थे, और लेफ्ट साइड में एक और LHB ट्रेन भी है और एक वैप 4 भी है। देखो हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पे बस अभी घुसने ही वाले हैं। सियालदा, ये देखो सियालदा स्टेशन पे घुस चुके हैं हम लोग अभी। अब धीरे धीरे हम लोग ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे। स्पीड को 25 तक रखते हैं गाइस। और काफ़ी सारे LHB कोचेस को रखे गए हैं साइड पे, और अगर आप उस साइड में देखेंगे इस साइड में भी काफ़ी सारे ट्रेन्स है। देखो वहाँ पे लोकल ट्रेन्स मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपको भी दिख रहा होगा देखो लोकल ट्रेन्स भी खड़े हैं उस साइड पे, और हम लोग बस अभी कुछ ही देर में यहाँ पे रुकने ही वाले हैं। पीछे से देख लेते हैं पूरा ट्रेन हमारा घुसा है कि नहीं, बस घुसने ही वाला है पूरा ट्रेन। जैसे ही पूरा ट्रेन हमारा एंटर कर जाएगा प्लेटफॉर्म के अंदर में, हम लोग तुरंत रोक देंगे। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे रोकना। तो फाइनली हमारा जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग पहुँच चुके हैं सियालदा स्टेशन में सुबह के 6:28 पे, मतलब हम लोग टोटल 18 मिनट्स लेट पहुँचे हैं। भाई एक्सप्रेस ट्रेन है यार, इतना लेट तो चलता ही है भाई। तो यार अब बारी है आपकी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आज का ये जो जर्नी था ये कैसा था, कैसा लगा आपको। रियल वर्ल्ड में अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो कि रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और वर्चुअल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसके बाद भी और भी वीडियोस अभी आता रहेगा, बस आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ठोकना तो ज़रूर बनता ही है। और अगर आप यहाँ पे पहली बार एंट्री मारे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है गाइस, अभी तो मैं फ़िलहाल चलता हूँ, और मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।